जानना चाहते हैं, चलिए यहीं से शुरू करते हैं सेशन को। नेटवर्क मार्केटिंग एक वर्कफोर्स इंटर्नशिप बिजनेस है, इसमें आपको लगा रहना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको कोई झूठे प्रॉमिस करता है एक बार पैसा लगा दो और बस शुरू तुम्हारी गाड़ी, तो वो पहले ही गलत है। आपकी सेल्स के ऊपर आपको कमीशन या परसेंटेजेस आती हैं, और ये सीखने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने स्टार्टिंग करी तो मैंने क्या बोला कि मुझे सबसे पहले मजा क्या आता था, उनकी कहानियां सुनने में, उनकी बातें सुनने में, क्योंकि वो मुझे सुनने को कहीं मिलता नहीं था। वहां से मुझे देखने को मिला लोग ड्रेसअप कैसे होते हैं, स्टेज पे बोलते कैसे हैं, क्योंकि आप देखेंगे मौत के डर से बड़ा डर होता है स्टेज पे बोलने का डर। और वो संदीप सर ने एक बार अपने सेशन में वो अनस्टॉपेबल में वीडियो प्ले करके दिखाया था, जहां मेरी बुरी हालत हो गई थी। सिमिलर टू दैट मेरे साथ भी हुआ है, और वही वाली बात, वी नेवर गिव अप। तो हमने उसे स्किल को इंप्रूव किया, तो वो मेरे लिए प्लेटफॉर्म था स्किल्स इंप्रूव करने का, कनेक्शंस बनाने का, लोगों को इज्जत देने का, ना सुनने का। हमने जिंदगी में ना नहीं सुनी, मम्मी को बोलते थे हमने दूध नहीं पीना। समझ रहे हो, हमारी चौड़ है ना, हम हमारी चलती है। बट जब आप किसी को कोई बिजनेस बताते हो, कोई प्रोडक्ट बताते हो, मैं नहीं ले रहा, जाए यहां से। अरे इंश्योरेंस, आप क्या, तो तेरे लिए बहुत अच्छा भाई, मर जाएगा तेरी फैमिली को, मेरे मरने की बात कर रहा है, बताऊं तुझे मेरे मरने की, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं। समझ रहे हो, सो द थिंग इज यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई फील लाइक इट इज अ लॉन्च पैड इफ यू वांट टू ग्रूम अप योर स्किल्स, इंप्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग एंड आपका कनेक्शंस बनना। उसके बाद देखिए है क्या चीज, लाइफ में आपको रास्ते दिखते चले जाएंगे बट घर से निकलना जरूरी है। तो ऐसा बोलते हैं, घर से निकलो मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो हो रहे हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो ठीक है, मतलब आपके घर वालों के पास में इतना पैसा है कि 5-10 हज़ार रुपए अगर डूब भी जाए, या ये कह लो सीखने के लिए आपने लगा दिया, जैसे कोर्सेज करते हो बहुत तरह के, तो ये समझ लो एक 10-20 हज़ार रुपए का कोर्स है, वहां पे गए कुछ सीख करके आ गए। जैसे मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, वहां पे मेरा कुछ नहीं हुआ लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। तो आज जो मैं कर रहा हूं उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। कितने का नुकसान हुआ? 5 हज़ार रुपए का। बट उस 5 हज़ार का आज मुझे कितना बड़ा फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ। अगर मैं वहां नहीं जाता तो मेरा दिमाग नहीं खुलता। तो ये हो गया प्लस पॉइंट। अब आते हैं माइनस पॉइंट क्या है। देखो माइनस पॉइंट ये है कि अगर कोई आपको ये कह रहा है, जैसे इन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आप बस पैसा लगा दो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब बकवास है, ऐसा कहीं नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब क्या, एक प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी दुकान पर गए और आपने बोला कि मेरे को ये टूथपेस्ट चाहिए, अब वो दुकानदार कह रहा है कि जो टूथपेस्ट कंपनी है ना, इसके जो टॉप पे लोग बैठे हैं ना, उनके पास में ये वाली गाड़ियां हैं, वो इतने लाख रुपए कमाते हैं, वो इतने करोड़ रुपए कमाते हैं। आप कहोगे भाई मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये बता तेरे पास कौन कौन से टूथपेस्ट है, फिर आप कंपेयर करोगे, फिर आप दिमाग लगाओगे, अच्छा एक 20 रुपए का है, 30 रुपए का, 50 रुपए का है, उसमें से आप कहोगे चल भाई ये वाला देते। तो ऐसे ही वहां पर आपको करना है, भूल जाओ वो लोग आपको क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कौन सी गाड़ियों की बातें हो रही है, कितने पैसे की बातें हो रही है, आप प्रोडक्ट को देखो। क्या वो प्रोडक्ट आप खरीदोगे अगर उसके साथ में कोई प्रॉमिसेस ना हो तो? अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में आपको मिल रहा है उससे बेटर या उसके टक्कर का 10 हज़ार रुपए का और वो दे रहे हैं 50 हज़ार रुपए का, तो गलत हो गया ना। ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसमें से सिर्फ कुछ जेन्युइन है, बाकी सब जो है वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म विजन के साथ में शुरू होती है और शॉर्ट टर्म में खत्म भी हो जाती है, 6-6 महीने में बंद हो जाती है, आप अपना पैसा लगाओगे बाद में रोते रहोगे, ये क्या हो गया। जो मैंने बात बोली उसको हमेशा याद रखना, यानी प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट कंपनी।